बड़ी अदालत का बड़ा फैसला, मखसूस रिश्ते हुकूमती जमातों को देने का फैसला कलदम करार। पेशावर हाईकोर्ट और इलेक्शन कमीशन का फैसला भी कलदम। पीटीआई मखसूस और अकलियती नशस्तों की हल करार। सुप्रीम कोर्ट ने 8-5 की अक्सरियत से अपना फैसला सुना दिया। तहरीक इंसाफ मखसूस नशस्तों के लिए फहरिस्त जमा कराए। कोई उभाम हो तो पीटीआई फैसले की तशरीह या वजाहत के लिए रिजू कर सकती है। मखसूस नशस्तों से मुतालिक फैसला जस्टिस मंसूर अली ने तहरीर किया। मुख्तसर तहरीरी फैसला भी जारी कर दिया गया। पेशावर हाईकोर्ट ने सुन्नी इत्तेहाद को नशस्त न देने का इलेक्शन कमीशन का फैसला बरकरार रखा था। सुन्नी इत्तेहाद ने यह फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था। और जमीयत उलमा इस्लाम सुप्रीम कोर्ट के फैसले को जज्बी तौर पर तस्लीम करती है और पीटीआई के साथ खैर सगाले का इजहार करती है। सरबरा जेयूआई मौलाना फजलुर रहमान की मीडिया से गुफ्तगू कहा, जमीयत उलमा इस्लाम बतौर जमात अपील दायर नहीं करेगी। फैसले से बराह रास्त मुतासर होने वाले जेयूआई के लोग इनफरादी तौर पर अपील के हक के इस्तेमाल से नहीं रोक सकेंगे। गुजरांवाला, डस्का, मियांवाली, पसरूर, फिरोजवाला समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी। फिरोजवाला में मकान की छत गिरने से खातून जख्मी। जुड़वा शहरों इस्लामाबाद और रावलपिंडी में धुआंधार बादलों की एंट्री। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में भी बूंदाबांदी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।